हाँ, आज हम बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज में जिस बीमारी की चर्चा करेंगे वह कोई नई बीमारी नहीं है। ये अपने देश में तो सदियों से इसको लोग जानते पहचानते हैं। जो शिक्षित हैं वो भी, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बीमारी के बारे में जानते हैं, और यह कितना गंभीर बीमारी है इसको भी लोग जानते हैं। सुना जाता है कि यह पहले के युग में जब ये आती थी तो गांव के गांव, टाउन के टाउन इससे संक्रमित हो जाते थे और वो उजड़ जाते थे, यानी सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। कारण ये था कि हाइजीनिक कंडीशंस बहुत पुअर हुआ करती थी, और उल्टी दस्त में ये जो डिसबैलेंस कंडीशन ऑफ फ्लूइड होती है, इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसबैलेंस होता है, इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं होती थी, और व्यक्ति निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन का शिकार होता था और अंत में उसकी जान चली जाती थी। लेकिन नाउ एडेज, आजकल जब से मॉडर्न युग आया है, इसकी रोकथाम की तमाम उपाय हमारे इर्द गिर्द उपस्थित हैं और अच्छी दवाओं का स्टॉक है, इतने संसाधन हैं कि आजकल हम इसको क्योर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और व्यक्ति की जान बच जाती है। इस बीमारी का नाम हैजा। क्या नाम हैजा? तो हैजा के बारे में मेरे देश में तो बहुत पहले से लोग जानते हैं कि एक ऐसी महामारी होती थी जब यह पॉपुलेशन को एक लार्ज पैमाने पर अफेक्ट करती थी, और इस तरह से संक्रमण इसका फैलता था कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी पूरा परिवार, फिर अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग भी इसके चपेट में आते थे और परिवार का परिवार साफ हो जाया करता था। तो ऐसी ये बीमारी है जिसका नाम हैजा। आज हम उसी हैजा या कॉलरा की चर्चा करना चाहेंगे। तो यह एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बहुत ही कॉमन बीमारी है, और ये बहुत गंभीर बीमारी भी मानी जाती है, क्योंकि जब ये होती है, इसका संक्रमण होता है, तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? डिहाइड्रेशन के कंडीशन में चला जाता है। यदि फ्लूइड बैलेंस और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का सही तरीके से देखभाल न किया जाए, मेंटेनेंस न किया जाए, तो फिर ये उसको सीवियर कंडीशन में ले जाती है और अंततोगत्वा व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है, इसको जानने के लिए हमें इसके इटियोलॉजी में जाना पड़ेगा, इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म जानना पड़ेगा, यानी वो कौन सा कारण है, कौन सा वो फैक्टर है जो इस बीमारी को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो हम पाते हैं कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ये विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी नाम का ये बैक्टीरिया सबसे पहले व्यक्ति के इंटेस्टाइन में इंट्री करता है, और वहाँ जा करके इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका डेवलपमेंट एवं ग्रोथ होता है। वहाँ पर ये बैक्टीरिया करता क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जो म्यूकोजल लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, और फिर ये दस्त वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उल्टी होना शुरू हो जाती है। तो इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या बताया गया, विब्रियो कॉलेरी। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लासिकल कॉलेरा विब्रियोज और दूसरा होता है एल टार विब्रियोज। ये दोनों बैक्टीरिया कैसे हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनकी जो शेप है, इनकी जो बनावट है, वो कैसी है, कोमा शेप्ड है, कॉमा सेफ्ट। और इनकी एक विशेषता और है कि काफी मोटाइल होते हैं, मतलब गतिशील होते हैं। इसकी पिकुलियरिटी ये बताई गई कि ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्टार और दूसरा होता है क्लासिकल, लेकिन दोनों होते हैं एक ही फैमिली से, ग्राम निगेटिव ग्रुप से ही होते हैं, और दोनों की जो बॉडी बिल्डअप है वो कैसा है, कॉमा के आकार का है। और विशेषता इनकी क्या है कि ये दोनों मोटाइल नेचर होते हैं, यानी गतिशील होते हैं। तो ये करते क्या हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, एक बीमारी कैसे एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति में कैसे फैल जाती है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट बताया गया, रोगी व्यक्ति एवं इसका वाहक इन्फेक्शन के मुख्य स्रोत होते हैं। यानी जो संक्रमित व्यक्ति है उससे ये बैक्टीरिया दूसरे हेल्दी व्यक्ति में बड़े आराम से पहुंच करके और उस व्यक्ति को ये संक्रमित करने में सफल हो जाता है। तो वो तो ठीक है, रोगी है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो देखने में बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, कोई कालरा का लक्षण उसके अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है जो दूसरे के लिए घातक हो सकता है या इस बीमारी को दूसरे में पहुंचाने में वो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो ये जो रोगी व्यक्ति है और इस कालरा विब्रियो का जो वाहक है, ये इस इन्फेक्शन को, इसके संक्रमण को फैलाने के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर दो पर बताया गया कॉन्टामिनेटेड फूड एवं ड्रिंक। कॉन्टामिनेटेड का मतलब दूषित खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों के लेने से भी ये बीमारी के, इस बीमारी के प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। ये बीमारी कॉन्टामिनेटेड फूड, जैसे संक्रमित व्यक्ति है कोई चीज आधा अधूरा खा लिया बाकी छोड़ दिया, तो दूसरा हेल्दी व्यक्ति अगर उसको इंटेक करेगा खाएगा तो संक्रमण से बच नहीं सकता है। बाकी किसी और जगह से भी आके बैक्टीरिया उस फूड एंड ड्रिंक के आइटम को ये कंटामिनेशन के कंडीशन में ले जाते हैं और उसको दूषित कर देते हैं, और उस फूड और ड्रिंक को लेने से हेल्दी व्यक्ति बड़े आराम से संक्रमण का शिकार हो जाता है। अगला पॉइंट जो बताया गया वो है संक्रमित व्यक्ति का मल एवं मूत्र। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है वो मल का त्याग करता है या फिर यूरिनेशन करता है, तो उसके मल और मूत्र में ये बैक्टीरिया उपस्थित होता है और वो फिर बड़े आराम से चल करके दूसरे हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में इंट्री करने में सफल हो जाता है और उसको संक्रमित कर देता है। तो इसके प्रचार प्रसार का जो कारण बताया गया, पहला बताया गया संक्रमित व्यक्ति या फिर उसका वाहक, और दूसरा कारण बताया गया कॉन्टामिनेटेड फूड एवं ड्रिंक, तीसरा कारण बताया गया संक्रमित व्यक्ति का मल एवं मूत्र। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, संक्रमित व्यक्ति है, उसके मल मूत्र में बैक्टीरिया उपस्थित होता है और फिर किसी भी माध्यम से एक हेल्दी व्यक्ति के पास पहुंचा है और उसके बॉडी में एंट्री कर जाता है और उसको अपने संक्रमण में ले लेता है, यानी उसको संक्रमित कर देता है। अगला जो उपाय बताया गया वो है व्यक्तिगत साफ सफाई, ये पर्सनल हाइजीन। सिर्फ कालरा के केस में ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए यह व्यक्तिगत साफ सफाई बहुत मायने रखती है, और पर्सनल हाइजीन का केयर न करने वाला व्यक्ति प्रायः किसी न किसी बीमारी से संक्रमित होता ही रहता। और अगला एक कारण बताया गया मक्खियां, फ्लीज जिनको आप बोलते हो, ये संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र पर बैठती हैं और पलक झपकते किसी व्यक्ति के भोजन के थाली में जाती हैं और उसके फूड मटेरियल पर बैठ जाती हैं, जो अपने साथ इस विब्रियो कॉलेरा की बैक्टीरिया को लेकर के जाती हैं और उसके भोजन को कॉन्टामिनेटेड कर देती हैं। तो इस तरह से इसके प्रचार प्रसार के ये सब माध्यम बताए गए। क्या बताए गए? पहला रोगी व्यक्ति स्वयं और इसका वाहक, ये दोनों इसके मुख्य स्रोत होते हैं। फिर बताया गया कॉन्टामिनेटेड फूड, फिर बताया गया संक्रमित व्यक्ति का स्टूल एवं यूरिन, फिर बताया गया पर्सनल हाइजीन का ध्यान न देना, फिर बताया गया ये फ्लीज के द्वारा भी बड़े आराम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। रिस्क फैक्टर इसके लिए क्या है? मतलब ऐसे लोग जिनको बड़े आराम से अपना शिकार बना लेता है या संक्रमित कर देता है, कैसे लोगों को? जो पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं देते, व्यक्तिगत
साफ सफाई मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे व्यक्ति को बड़े आराम से संक्रमित करने में सफल हो जाता है। और जो दूसरा कारण बताया गया वो है पर्यावरणीय स्वच्छता का अभाव। जिस लोकेशन में आप रहते हैं, जिस एटमॉस्फियर में रहते हैं, अगर वहाँ साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पर गंदी नालियाँ बजबजाती हैं, कूड़ा कबाड़ है, तो इस तरह के माहौल में रहने वाले व्यक्ति बड़े आराम से इससे संक्रमित हो सकते हैं, उनके लिए ये रिस्क फैक्टर है। अगला जो पॉइंट बताया गया गरीबी और महंगाई। गरीबी और महंगाई तो ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ हैजा के लिए ही नहीं, बाकी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है, क्योंकि वो आदमी ढंग से पर्सनल हाइजीन ना मेंटेन कर सकता है, खान पान की उचित व्यवस्था नहीं कर पाता है, ये तमाम कारण। जो चौथा कारण बताया गया वो है सामूहिक भोज। जैसा कि आप सुनते हैं कहीं यज्ञ होता है या वैवाहिक या कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो लोग बड़े शौक से अपने दरवाजे पर तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं और लोग जुटते हैं और सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन वहाँ पर असावधानी ये हो जाती है, कितने लार्ज पैमाने पर ये साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान ये मेंटेनेंस कम हो जाता है और ये बीमारी उस भोज के द्वारा फैल जाती है। प्रायः है ये पेपर में न्यूज में आता रहता है कि वहाँ यज्ञ थी, वहाँ वैवाहिक कार्यक्रम था, रात्रि में लोग भोजन लिए, सुबह सब लोग हॉस्पिटल पहुँचा दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये सामूहिक भोज से भी बचने की जरूरत है, भरसक न जाए। लेकिन ऐसा है कि ये तो ऐसा एक सोशल नेटवर्किंग है कि जाना ही पड़ता है और लोग इसका दुष्परिणाम भी भोगते हैं। अब इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या बताया गया, कुछ घंटे से 5 दिन तक। यानी जैसे ही विब्रियो कॉलेरा बॉडी में एंट्री करेगा तो अगर उस व्यक्ति की सेंसिटिविटी उसके प्रति थोड़ा हाई ग्रेड है तो कुछ घंटे में ही इसके इफेक्ट आने लगते हैं, यानी इसके लक्षण दिखने लगते हैं। लेकिन अगर थोड़ा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो 2-4 दिन 5 दिन तक वो झेल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लक्षण आएंगे ही नहीं, 5 दिन बीतते बीतते तो निश्चित रूप से इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्या लक्षण दिखते हैं इसको जानने के लिए हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जानना होगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में होता क्या है कि विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया की वृद्धि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है और वहीं पर एक टॉक्सिन का सिक्रीशन करता है जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लेयर को एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है और फिर कारण बन जाता है गंभीर दस्त की स्थिति का उत्पन्न हो जाना। तो लक्षण क्या क्या दिखेंगे भाई, तो ये तो इंटेस्टाइन के अंदर हुआ, बॉडी के अंदर हुआ, जो कुछ भी हुआ। अब बॉडी के ऊपर क्या, सरफेस पर क्या दिखने लगता है, तीव्र एवं गंभीर दस्त। जो इसका सबसे प्रमुख लक्षण है वो क्या है, तीव्र एवं गंभीर दस्त, यानी बार बार स्टूल का पास आउट होना। इस बीमारी में सबसे पहले इंटेस्टाइनल कंटेंट मल के रूप में बॉडी के बाहर आ जाते हैं, यानी पहले से जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्टिज पड़ा हुआ है वो पहले धीरे धीरे बॉडी के बाहर आता है और रिजल्ट ये होता है कि इंटेस्टाइन बिल्कुल खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है। जब वो रिक्त हो जाती है तो फिर जो दस्त आना शुरू होता है वो कैसा होता है, राइस वाटर, चावल के धोवन के समान उस दस्त का कलर बदल जाता है। और जब ये चावल के पानी के समान दस्त का कलर हो जाए तो आप पक्का समझिए कि वह व्यक्ति, वह पर्सन ये कॉलेरा विब्रियो का संक्रमित व्यक्ति है, यानी उसके अंदर ये विब्रियो कॉलेरी का इन्फेक्शन हो चुका है और वह निश्चित रूप से कॉलेरा से प्रभावित है। ये कॉलेरा की सबसे मुख्य पहचान है। ये होता है इसके साथ कि जब
ये चावल के धोवन जैसा, पानी जैसा जब दस्त होने लगती है तो उस समय पेट में ना तो ऐठन होती है, ना तो मरोड़ होता है, ना ही किसी भी तरह की दर्द की प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल प्लेन यानी पेनलेस ये होता है, स्टूल पास होता है। दूसरा जो इसका मुख्य लक्षण है वो है वोमिटिंग। इसमें भी होता क्या है, ये जो बाटिल का फ्लूइड है वही बाहर निकल के आता है, तो उधर आपने देखा स्टूल के रूप में, फिर दूसरी तरफ देखिए वोमिटिंग के रूप में निकल के आ रहा है, शरीर से जो फ्लूइड पार्ट है वो निकल के बाहर आ रहा है। रिजल्ट क्या होगा, वो व्यक्ति के शरीर, उस व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप कर जाएगी, यानी वह व्यक्ति निर्जलीकरण का शिकार हो जाएगा। और जब वो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के कंडीशन में जाएगा तो बहुत सारे लक्षण अपने साथ लेकर के आएगा, जैसे मस्कुलर क्रैम्प्स, पेशियों में ऐठन होगी, मरोड़ होगा और दर्द होगा, खास तौर से नी ज्वाइंट के नीचे की जो काफ मसल है उसमें बहुत सीवियर क्रैम्पिंग की कंडीशन मिलती है। दूसरा जो बताया गया लक्षण, कूल एवं रिंकल्ड स्किन, त्वचा ठंडी हो जाती है और इस पर झुर्रियां दिखने लगती है। तीसरा क्या मिलेगा, आंखों का धस जाना, संकेन आईज जिसको आप बोलते हो, ये दोनों आंखें गड्ढे में चली जाती हैं, धस जाती हैं। और क्या होता है, बीपी का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का डाउन होना। पांचवा लक्षण क्या मिलेगा, पल्स भी इतनी वीक हो जाती है कि खोजने से भी वो मिलती नहीं है, उसकी धड़कन की फीलिंग नहीं होती है। फिर टेम्परेचर का सामान्य से कम हो जाना, यानी ये जो बॉडी टेम्परेचर एक निश्चित लेवल तक होना चाहिए वो काफी नीचे गिर जाता है, इसीलिए जो ये स्किन है वो कोल्ड हो जाती है। अगला लक्षण बताया गया हॉलो चीक्स, ये दोनों गाल भी अंदर की तरफ धंस जाते हैं। आठवां लक्षण बताया गया सप्रेशन ऑफ यूरिन, यानी जब उल्टी और डायरिया के रूप में काफी फ्लूइड निकल जाता है तो इतना लैक अमाउंट में फ्लूइड हो जाता है कि यूरिन का कोई चांस नहीं बनता है, यानी उसकी यूरिन एब्सेंट हो जाती है, यूरिनेशन बंद हो जाता है, पेशाब उसको होती नहीं। नौवां लक्षण बताया गया कंफ्यूजन जैसे लक्षण, यानी वो व्यक्ति दिमागी रूप से भ्रमित हो जाता है, उसे पता नहीं लगता कि कोई क्या पूछ रहा है, उसका जवाब उसे क्या देना चाहिए क्या ना देना चाहिए। और अगला लक्षण जो बताया गया वो है गंभीर अवस्था में व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। कोमा का मतलब लॉन्ग टाइम अनकॉन्शियस कंडीशन। और लास्ट में जो लक्षण बताया गया यह किसी भी उम्र में हो सकता है। यह जो विवरियों का लेरी है यह उम्र का विभेद नहीं करता है, यह नहीं देखता है कि यह बच्चा है कि बूढ़ा है कि नौजवान है कि एडल्ट है कि वयस्क है, महिला है कि पुरुष है, यह इस तरह का भेदभाव नहीं करता है। इसे जहां भी चांस मिलता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, उसकी उम्र चाहे जो भी हो, उसको यह संक्रमित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। तो इसका मतलब ये कालरा जो है किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। अब इस एपिसोड में हम इतना ही चर्चा करेंगे, बाकी अभी इसके बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जो फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और आपके साथ अच्छे से चर्चा करेंगे।